हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, बम्पर नंबर की सीट पर वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 11,000 के करीब सीट होने वाला है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इसके लिए इलिजिबल होंगे। ग्रुप सी की यह पोस्ट रहने वाली है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इसके बारे में फुल डिटेल्स जानने के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। और अगर इससे जुड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, तीनों ही का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि वेस्ट बंगाल पुलिस के अंदर कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। पहले ही बता दिया है बम्पर नंबर की सीट है। टोटल पोस्ट की बात की जाए 10,255 सीट्स पे आपकी वैकेंसी है। दोनों ही कैंडिडेट मेल फीमेल दोनों के लिए अच्छी खासी सीट है। मेल्स के लिए 7,288 मतलब 7,300 के अप्रॉक्स मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 3,027 सीट जो है फीमेल के लिए रहेगा। अप्लाई करने की जो डेट है ना, ये आपका 7 मार्च, यानी कि आज से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 5 अप्रैल 2024 रहने वाला है। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर 5 अप्रैल। इफ यू आर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड, तब आप जाके जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर ही दो तो ज्यादा बेटर होगा। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म की फी क्या होने वाली है। ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी एसटी को छोड़ के बाकी सभी कैंडिडेट से ₹170 लिया जाएगा फॉर्म का चार्ज, और एससी एसटी कैंडिडेट से मात्र ₹20 फॉर्म फी लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज होती है, कैंडिडेट से जब फॉर्म फी कम लिया जाता है तो बहुत खुशी की बात होती है। चलिए आगे देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या होने वाली है, किस डेट से सबसे पहले जानते हैं कैलकुलेशन किस तिथि के अनुसार होगा। एज ऑन 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 30 वर्ष के जो भी कैंडिडेट है सभी इलिजिबल रहेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि एज में छूट दिया जाता है, ओबीसी को 3 इयर्स का मिलेगा। तो जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 18 वर्ष से 33 वर्ष हो गया। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है, तो उनके लिए जो एज लिमिट है ना 18 वर्ष से 35 वर्ष हो गया। आई होप कि एज वाला जो क्राइटेरिया है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन सिंपली देखिए, जो 10th पास कैंडिडेट है वो इलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज ये भी मेंशन किया गया नोटिफिकेशन में कि जिन्होंने वेस्ट बंगाल बोर्ड से 10th पास किया है वो इलिजिबल रहेंगे। प्लस में प्रोफिशिएंसी इन बंगाली लैंग्वेज, मतलब आपको बंगाली लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, मतलब लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। आई होप आपको इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया होगा। आगे चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन आपका 5 स्टेज से गुजरने के बाद होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले स्टेज पर रिटन एग्जाम होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड, जहां पे आपको पेन एंड पेपर मोड से एग्जाम देना है। उसके बाद पीएमटी होगा, फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। सबसे पहले शारीरिक मापदंड किया जाएगा, उसके बाद आपका योग्यता देखा जाएगा कि क्या क्षमता है आपके दौड़ने की, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, देन मेडिकल होगा, देन आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या आपका यहाँ पर डिटेल में रहने वाला है। देखिए, फर्स्ट स्टेज पे एज आई टोल्ड यू कि एग्जाम होता है, ऑफलाइन पेपर होता है, पहले बता दिया। तो आपको कहीं से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको वेस्ट बंगाल के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो एग्जाम सेंटर होंगे वहां पे जाके आपको पेपर देना होगा, क्योंकि ओएमआर बेस्ड रहेगा पेन एंड पेपर मोड में। बात करें कि कितना क्वेश्चन कितने नंबर के लिए, टोटल आपका 85 क्वेश्चन 85 नंबर के लिए होगा, मतलब 85 प्रश्न 85 नंबर के लिए। समय आपको 1 घंटे का प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी है। सो बी अवेयर 1/4 मतलब कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब सब्जेक्ट वाइज बात करूं, जीके जीएस से आपका 25 क्वेश्चंस रहेगा, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स को कंबाइन करके। साथ ही साथ फ्रेंड्स, पता है कि वेस्ट बंगाल का कांस्टेबल के लिए, तो वहां से रिलेटेड जीके जीएस और करेंट अफेयर्स जरूर पढ़ के जाइएगा।
सेकेंड जो सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स है, इससे भी 25 क्वेश्चंस होगा, इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस रहेंगे और रीजनिंग के 25, ओवरऑल 85 क्वेश्चन 85 मार्क्स के लिए, टाइम 1 आवर का। जब आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओगे तब आपका पीएमटी एंड पीईटी होता है। तो आइए टोटली देख लेते हैं कि फिजिकल का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए हाइट की जो मेजरमेंट होगी ना, अनरिजर्व्ड कैटेगरी मेल के लिए 167 सेंटीमीटर, रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल्स में अनरिजर्व्ड का 160 और जिनको रिजर्वेशन मिलेगा उनको 152 सेंटीमीटर रहेगा। चेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, अनरिजर्व्ड के लिए 78-83 और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 76-81, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद आपका रनिंग होता है, 1600 मीटर की दौड़ होगी मेल कैंडिडेट के लिए जो कि उनको 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। फीमेल्स के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी जो कि 4 मिनट में उनको कंप्लीट करना होगा। सो ये आपका जब फिजिकल क्लियर हो जाएगा तब क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, तब जाके आपको वेस्ट बंगाल के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में एज अ कॉन्स्टेबल जॉब करने का मौका मिलेगा। जब आप जॉब करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी, आइए मैं बता देती हूँ आपको। शुरुआती जो सैलरी होती है ना 22,700 रुपये, मतलब 25,000 के तकरीबन सैलरी से शुरुआत होती है। हर साल जब सैलरी में बढ़ोतरी होती है तो आपकी सैलरी 58,500, मतलब 60,000 के करीब पर महीने पहुंच जाती है। जैसा आप देख रहे हो बम्पर नंबर की सीट है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। और कहीं पर भी इससे रिलेटेड डाउट है, मन में कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं वहां पे क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज आई होप कि सारा कुछ आपका क्लियर हो गया होगा डाउट वगैरह। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।